नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आज 7 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर, जो काफ़ी अहम खबर है पूरे देश के लिए, कि देश प्राण से हमने लिया है कि चीन जो है, जो गलवान क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र में जो संकट बना हुआ था, तो चीन ने अपने सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। हालांकि बख्तरबंद जो उसकी गाड़ियां है वो अभी वहां मौजूद है और बीच में एक बफर जोन को बनाया गया है। चीन के द्वारा 15 जून को की गई धोखे से हमले के बाद भारत जो है काफ़ी सतर्क है और ऐसे में चीन से वे सारे नियम को फॉलो करवा रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होने चाहिए। वही दूसरी खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल ईयर के जो बचे हुए परीक्षे हैं उनको परीक्षा लेने की इजाज़त दे दी है, लेकिन ये परीक्षा जो है सितंबर में होगी। वही इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो सितंबर की परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे उनको आगे भी एक मौका दिया जाएगा। कल एक उच्च स्तरीय हुई बैठक में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने इस पर लेकर फैसला किया। वही अगली खबर जो है हमने लिया है कि दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि पटना हाई कोर्ट ने जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्राथमिकता दी जा रही थी डीएलएड के अभ्यर्थियों को, उन पर रोक लगा दी है। और कोर्ट का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम बनाए गए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो कि समता का अधिकार आता है। वही अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से ही लिया, इसमें आज चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो चुनाव में पोस्टल बैलेट के द्वारा ही वोटिंग कर सकेंगे, यानी उन्हें अब जो है मतदान केंद्र पर नहीं जाना होगा, पोस्टल बैलेट के द्वारा ही दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते 65 साल के अधिक उम्र वाले को ज़्यादा खतरा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया है कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि दरभंगा का एयरपोर्ट दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। ऐसा बयान उन्होंने ट्वीट करके बताया इसके बारे में, और ये भी बताया कि हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं उनसे मुलाकात के बाद ऐसा फैसला लिया गया और जो भी राशि है जो रुकी हुई थी उसका आवंटन कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि 13 जुलाई से बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली यांत्रिक, फिर से इलेक्ट्रिकल और जो परीक्षाएं थी, जो सिविल की परीक्षाएं थी जो कि 13, 14 और 16, 17 जुलाई को होने वाली थी 2 पालियों में, उसे स्थगित कर दिया गया है। और इसका मूल कारण कोरोना वायरस ही है जिसके चलते छात्रों को आने जाने में परेशानी होगी, संक्रमण का खतरा है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि अगस्त से, यानी कि 15 अगस्त तक जो है शिक्षकों के लिए जो बहुत प्रतीक्षित सेवा शर्त नियमावली है उसे लागू किया जा सकता है। हालांकि कल जो पुनर्गठित समिति है उसकी बैठक हुई आमिर सुहानी की अध्यक्षता में, और ये आशा व्यक्त की जा रही है जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तो सेवा शर्त 15 अगस्त तक 4 लाख शिक्षकों को मिल सकता है। वही अगली खबर भी हमने जागरण से लिया, इसमें दिया है कि पिछले दिनों जब विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया और इनमें वो निगेटिव है। इसके साथ ही साथ उनके कार्यालयों के जो भी कर्मचारी हैं उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया और वो लोग भी निगेटिव आए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि मास्क नहीं लगाने पर पूरे सूबे में 1,139 लोगों को पकड़ा गया और लगभग 56,000 के जो है उनसे जुर्माने की राशि वसूली गई। आपको बताते चले अनलॉक 2 के दौरान सरकार ने साफ नियम बना दिया है कि बिना मास्क के चलने पर आपको जुर्माना लगाया जाएगा। फिर से आपको दुकान जो है, दुकानदार या प्रतिष्ठान में जो मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें बंद किया जाएगा 3 दिनों के लिए, तो वही वाहनों को भी 3 दिनों तक जब्त करने का भी आदेश दिया है सरकार ने।
वही आपको पता चले कि पटना में कल 50 दुकान जो हैं वहाँ सील किए गए हैं और उन दुकानों पर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया हुआ है कि पटना एम्स में आज से कोरोना वायरस के लिए जो कोवैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। पटना एम्स जो है देश भर में 12 जो क्षेत्र हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनको लिया गया है, उसमें ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आशा व्यक्त की जा रही है कि अगस्त तक ये ट्रायल पूरा हो जाएगा और इसे लॉन्च करने की व्यवस्था भी की जाएगी। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि CBSE और ICSE बोर्ड में अब 11वीं से 12वीं में जो एडमिशन के लिए है वो अब लिखित परीक्षा और ये नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन एडमिशन होगा, और जहां लिखित परीक्षा की ज़रूरत है वहां ऑनलाइन इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि किर्गिस्तान में बिहारी छात्र 1500 से लेकर 2000 की संख्या में MBBS का कोर्स कर रहे हैं और वो यहाँ वहाँ पे बहुत दिनों से फंसे हुए हैं। उन्होंने बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है और बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है कि उन्हें यहाँ से निकालें और अपने घर पहुँचाएँ। बता दें आपको कि 1500 से 2000 छात्र जो हैं बिहार के विभिन्न जिलों के हैं, जो कि किर्गिस्तान में जो है वहाँ के कांट जगह पर जो है MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वही अगली खबर हमने देश प्रांत से लिया है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को अब जो है राशन और रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है इन्हें 8 किलो अनाज और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 12 किलो अनाज जो है इन्हें 1 महीने के लिए दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ 536 रुपये भी दिए जाएंगे। वही अगली खबर भी हमने देश प्रांत से लिया, इसमें कांग्रेस और RJD ने फिर से बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा और RJD के नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्य सरकार से ये गुहार लगाई है और केंद्र सरकार से भी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं बिहार में उसको देखते हुए बिहार को फिर से लॉकडाउन के अंदर रखा जाए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है, इसमें आज दिया हुआ है कि आज जो है सूबे के विभिन्न जिलों में तेज बारिश हो सकती है और ठनका गिरने की भी संभावना है। आपको बताते चले कि इस साल जो है ठनका से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, लगभग 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है और ठनका गिरेगा ही, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बारिश के समय में घर से बाहर ना निकलें। तो ये थी आज पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।